जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शनिवार को हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। देवेंद्र सिंह को सोमवार को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस और इंटेलिजेंस अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस बीच पता चला कि देवेंद्र सिंह ने आतंकियों को अपने घर में पनाह दे रखी थी। जांच अधिकारियों ने घटना की कड़ियों को जोड़ते हुए कहा कि इरफान नाम का एक वकील नवीद बाबा और अल्ताफ को शुक्रवार को अधिकारी के घर लेकर गया था। पुलिस के अनुसार इरफान आतंकी समूहों के लिए काम करता था, जिसके बाद एक बार फिर देवेंद्र के घर की तलाशी ली गई। यहां से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए गए। पूरे मामले में जुड़ी अहम कड़ियां तलाशने के लिए एक दर्जन जांच टीमें बनाई गई हैं। टीमें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जांच कर रही हैं। एक टीम स्थायी रूप से सोपिया में डेरा डाले हुए है। देवेंद्र का घर बादामी बाग छावनी इलाके में सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय के पास ही है। पुलिस ने देवेंद्र के घर पर छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद की थी। वहीं अब माना जा रहा है कि 48 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस हिरासत में रहने के कारण देवेंद्र सिंह को निलंबित किया गया है और साथ ही देवेंद्र सिंह को बहादुरी के लिए राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक मिल चुका है, जिसे अब वापस लिया जा सकता है। न्यूज़ डेस्क।